हेलो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट अच्छी वाली गर्मी हो चुकी है, तो सबसे पहले गर्मी में याद आता है मैंगो शेक। मैंगो बहुत गर्म होते हैं, तो उसको अब हम थोड़ा सा ठंडा कर कर पियेंगे, जिससे कि वो नुकसान ना दे। और मैंगो शेक तो बनाना ज़रूरी है और पीना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ले लेते हैं हम कुछ बेसल सीड्स, मीनिंग तुलसी के बीज, और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए भिगोएंगे। और उसके बाद ये हो चुके बिल्कुल रेडी। और उसके भी बाद हम सबसे मेन चीज़ लेंगे गोंद कतीरा। ये बहुत ही कम लोगों को आई थिंक पता होता है कि ये बहुत ही ठंडा होता है, गर्मियों में ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो इसको मैं शेक में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। आप इसको खा सकते हैं, लेकिन ये देखने में थोड़ा सा अजीब होता है। ये देखिए, इसको आपको पूरी रात भिगोना होता है, जैसे छोले या राजमा, मतलब इसमें 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को मैंने पहले ही भिगो लिया। ये रहा गोंद कतीरा, ये भीग के कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये मैंने एक कंटेनर में, एक जार में भिगो के रखा है, क्योंकि मैं इसको 2-3 शेक्स में यूज़ करती रहती हूँ डेली। तो ये दोनों चीज़ें मेरी बिल्कुल रेडी हैं, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया था, जिसको मैंने कट करके पहले ही रखा था, उसका छिलका मैंने उतार दिया था। और ये देखिए, ये सारे मैंगो हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालेंगे, एक बार में नहीं, तो अराउंड 1/2 कप मिल्क डालने से पहले हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। और चीनी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क, जिससे कि ये पहले फाइन पेस्ट बन जाए। तो ये देखिए, हमने मिल्क पीस के अंदर ऐड कर दिया। और अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं इसका ढक्कन और फटाफट से इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छा सा फाइन पेस्ट बन गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बचा हुआ 1 ग्लास के करीब मिल्क। और उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे हनी। हनी से जो इसका टेक्स्चर है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है, और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, बिल्कुल बाजार जैसा। तो इसलिए हनी इसके बिल्कुल मत करिए। और उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे गोंद कतीरा। ये बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए आप इसको हर शेक में ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि गर्मी में आप जितना ठंडा खाएंगे वो अच्छा रहता है, और ये नुकसान भी बिल्कुल नहीं देता। ये हमने फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी में खाया था, फालूदा कुल्फ़ी में। तो उसके बाद से हमने फिर इसको यहाँ पर आकर ढूंढा, और हम इसको और इसको अब हम अच्छे से चला देते हैं। ये जो मैंगो शेक है, हो चुका है अच्छे तरीके से, मैंगो से मिक्स हो गया है, टाइम है इसको सर्व करने का। तो मैंने बहुत ही क्विक रेसिपी बताई है आपको। इसमें 2 डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, एक तो गोंद कतीरा और बेसल सीड्स। तो अब टाइम है, पहले हम इस अच्छी सी एक प्यारी सी बाउल थी उसके अंदर हम कर देते हैं, और ये 2 ग्लास, और इन सभी में हम डिफरेंट डिफरेंट गार्निश करेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो आज का जो मैंगो शेक है वो बहुत ही टेस्टी है, और बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा। आप एक बार घर में बनाइए, उसके बाद आपको बाजार में पीने की, मार्केट में लेकर खरीद कर पीने की कोई नीड ही नहीं रहेगी, और ये वाला टेस्ट मार्केट में आपको मिलेगा भी बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम एक को कर लेते हैं काजू के साथ गार्निश, और थोड़े से चॉप बादाम। ये सब मैंने पहले ही प्रिपेयर करके रखा था, जिससे कि आपके साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट से मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ये मैंने काजू बादाम और चेरी के साथ एक कर दिया है फुल एंड फाइनल। और दूसरे के ऊपर हम करेंगे थोड़ा सा चॉप मैंगो, जो मैंने पहले से ही कट करके रखे थे स्टार्टिंग में, और ये हमने उसके ऊपर थोड़े से मैंगो ऐड कर दिए। मैंगो पीस के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़े सी टूटी फ्रूटी रेड कलर की गार्निश करते हैं, और येलो रेड का कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप टाइम है इसमें थोड़ा सा ग्रीन टच देने का। तो ये देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, येलो रेड और ग्रीन। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसके ऊपर और थोड़ा सा इसको रिच बनाने के लिए हम इसके ऊपर चॉप आलमंड्स, मीनिंग फाइन चॉप बादाम, ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें, बट इससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये हमने इसके ऊपर बादाम थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए, और उसके बाद अब टाइम है इसके ऊपर थोड़े से 1 से 2 काजू क्रश करके डालने का। ये देखिए, ये देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। और लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे एक छोटी सी
चेरी। और अब टाइम है बेसल सीड्स का। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा सा क्रंच होता है। अगर आप चाहें तो आप इसको मैंगो शेक के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको ऊपर से अच्छे से ऐड करा है 1 से 1.5 चम्मच, और इसको आप लास्ट में मिक्स कर कर आराम से पी सकते हैं। इसको अब हम कर देते हैं साइड पर। इन सभी को इस तरह से हमारे 3 तरह के मैंगो शेक डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और लास्ट में इसको हम एक मैंगो स्लाइस के साथ कर देते हैं डेकोरेट। ये देखिए, और लास्ट में अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करेंगे हनी, ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए, ये हमने सेकंड पे भी कर लिया, और एक को हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे, उसके ऊपर हम ऊपर से हनी गार्निश नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी इसके अंदर हनी मिक्स कर रखा है। तो इस तरह से आज का जो मैंगो शेक है वो बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो इसको आप बनाइए, फ्रिज में अच्छे से ठंडा कीजिए और इन्जॉय कीजिए। आज की मैंगो शेक की जो रेसिपी है वो बहुत ही डिफरेंट है, टेस्टी है और क्विक बनने वाली है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय समर स्पेशल मैंगो शेक, एंजॉय।